वेलकम टू डी जी एम एजुकेशन चैनल। इस वीडियो में असी इंग्लिश के कुछ इंपोर्टेंट होर क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि पंजाब ई टी टी स्क्रीनिंग टैसट एंड मास्टर केडर के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट ने। मोस्टली इस वीडियो के असी क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो वन वर्ड फॉर सबसीट्यूट यानी कि बहुते शब्दों की थान एक शब्द है जो कि बाकी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होंगे उन्होंने भी एक तो दो क्वेश्चन हर बार पूछे ही जाते हैं तो काफ़ी इंपोर्टेंट है ये साडा टॉपिक है। तो इस दे विच असी जिस तरह क्वेश्चन करांगे देखो जी फर्स्ट क्वेश्चन है साडे कोले ए परसन हू है जस्ट स्टार्ट लर्निंग। तो एक ऐसा व्यक्ति जिन्हें हुणे हुणे लर्निंग स्टार्ट की होवे उसनू बोलिया जांदा जी अप्रेंटिस। अप्रेंटिस दे विच की हुंदा साडे कोले ट्रेनिंग दित्ती जांदी है किसी भी व्यक्ति नू कोई काम करन तों पहला जिहड़ी ट्रेनिंग दित्ती जांदी है जी उसनू बोलदे अप्रेंटिस मतलब जस्ट स्टार्ट लर्निंग हुंदी है उह। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करैक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो नोविस हुंदा है नोविस मीनज वो भी बिगिनर ही हुंदा है बट ये किसी रिलीजियस मैटर दे विच हुंदा है जिथे किसी उन्हूं मतलब थोड़ा जा रूल दसे जाते हैं रिलीजन दे इस तरह का कोई बिगिनर हुंदा हैगा। तो नैक्सट है साढ़े कोल जी ए परसन हू इज फिल विद एक्सैसिव एंथुइजम। एंथुइजम हुंदा है जोश उत्साह एक्सैसिव मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा च। तो साढ़े कोल जी एक ऐसा व्यक्ति जिहदे विच बहुत उत्साह होवे बहुत जोश होवे तां किसी भी तरह का हो सकता है तो यह साढ़े कोल होगा जी एक्सट्रोवर्ट फर्स्ट ऑप्शन मतलब जोशीला काम करने लिए किसी भी काम करने के लिए जोश उत्साह बहुत ज़्यादा होना। थर्ड ऑप्शन थर्ड क्वेश्चन साढ़े कोल जी ए परसन परसन हू इज अपॉइंटड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व ए डिस्प्यूट। तो एक ऐसा व्यक्ति मतलब अपॉइंट करना जिहड़ा कि दो पार्टियां दे विच कोई डिस्प्यूट हो रहा झगड़ा हो रहा उसनू सॉल्व करे उसनू हल करे तो उन्होंने बोलते हैं जी आर्बीट्रेटर। सैकेंड ऑप्शन इज द करैक्ट ऑप्शन एंड जो सैकेंड क्वेश्चन से उसका साढ़े को फर्स्ट ऑप्शन जी एक्सट्रोवर्ट। नैक्सट है साढ़े को ए परसन हू विशेज टू थ्रो ओवरऑल एस्टैबलिशमेंट। तो ये साढ़े को इस तरह का कई बार गवर्नमेंट कोई जो भी रूल बनाती है उस हर रूल के अगेंस्ट हों व्यक्ति या फिर इस तरह भी हों भी जेकर वो चाहता भी जोड़े उसके रूल ने सारे उन्होंने फॉलो कर रूल ही सही ने मतलब जी अनार्चिस्ट है साढ़े को अनार्चिस्ट है फर्स्ट ऑप्शन इज द करैक्ट ऑप्शन। नैक्सट है साढ़े को ए परसन क्लेमिंग टू बी सुपीरियर इन कल्चर एंड इंटलैक्ट टू अदर। तो कोई ऐसा व्यक्ति जोड़ा क्लेम करता हो क्वालिटी हो कल्चर के इंटलैक्ट मतलब बुद्धि के पॉइंट ऑफ व्यू दूजे नो हाई हो ऐसे काम करने का इच्छुक हो जे हाई रिस्कली रिस्की हो मतलब टफ काम हो डिफिकल्ट वर्क में काम कर ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹਾਈ ਬਰੋ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਪਰਸਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਵੈਡ ਇਨ ਸਪੈਲਿੰਗ। ਤਾਂ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੈਡ ਇਨ ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਕੋਕੋਗ੍ਰਾਫਿਸਟ ਕੋਕੋਗ੍ਰਾਫਿਸਟ। ਹਾਂਜੀ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਿੰਗੁਇਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਿੰਗੁਇਸਟ ਮੀਨਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਾਣਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਰਸਨ ਲੀਵਿੰਗ ਹਿਜ ਨੇਟਿਵ ਕੰਟਰੀ ਟੂ ਸੈਟਲ ਇਨ ਅਨਦਰ ਕੰਟਰੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਡੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਫੋਰਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨੇਟਿਵ ਕੰਟਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਫੋਰਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਉਸਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਐਮੀਗ੍ਰਾਂਟ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ ਐਮੀਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਹ ਪਰਸਨ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਏ ਫੋਰਨ ਲੈਂਡ ਟੂ ਸੈਟਲ ਦੇਅਰ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਰਸਨ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਐਜ ਅਨਦਰ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਉਸਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਮਕਾਲੀਨ ਜਾਂ ਸਮਕਾਲੀ। ਇਹ ਪਰਸਨ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਐਜ ਅਨਦਰ ਇਟ ਮੀਨਜ਼ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ। ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਐਂਡ ਬਾਬਰ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੇ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਮਕਾਲੀਨ ਸੀਗੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸੀ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸੀ ਦੋਨੋਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਰਸਨ ਹੂ ਸਪੀਕਸ ਫਾਰ ਅਨਦਰ। ਇਹ ਪਰਸਨ ਹੂ ਸਪੀਕਸ ਫਾਰ ਅਨਦਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਊ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਇਹ ਪਰਸਨ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਪਲੇਸ ਵਿਦ ਅਨਦਰ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸੇਮ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕੁਲੀਗ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਹ ਪਰਸਨ ਹੈਵਿੰਗ ਦਾ ਸੇਮ ਨੇਮ ਐਜ ਅਨਦਰ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਦੇ ਨਾਮ ਮਤਲਬ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਸੇਮ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਨੇਮ ਸੇਕ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ।
नैक्सट है जी साढ़े को परसन हूज ऑलवेज डिससैटिस्फाई, तो ऐसा व्यक्ति जो हमेशा डिससैटिस्फाई हों किसी भी काम तो किसी भी चीज़ तो मतलब सैटिस्फाई नहीं हों, तो उन्होंने बोलिया जाता है जी मलकंटेंट, मलकंटेंट बोलिया जाता है सैकेंड ऑप्शन जी का करैक्ट ऑप्शन। नैक्सट है साढ़े को जी ए परसन हू एंटर्स विदाउट एनी इनविटेशन, एक ऐसा व्यक्ति जो बिना इनविटेशन तो आउंदा हैगा यानी कि सद्दी ना बुलाई मैं लाड़े दी ताई, तो उसनू असी बोलिया जाता जी इनट्रूडर, फोर्थ ऑप्शन। नैक्सट है साढ़े को परसन हू हैज़ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, इट मीनस जो सुंदर लिखता वधिया लिखता उसनू बोलिया जाता जी कॉलीग्राफिस्ट, कॉलीग्राफिस्ट हुंदा फर्स्ट ऑप्शन। नैक्सट है जी ए परसन हू इज़ टॉकटिव, जिहड़ा व्यक्ति गलड़ी होवे गल्लां बहुत करदा होवे गप्पी भी कह सकते हैं असी, तो वह हुंदा जी गैरूलस फर्स्ट ऑप्शन। तो गैरूलस दे तुसी स्पैलिंग जरूर देख लो, कई बार ये इंग्लिश दे विच साडे कोले आउंदा हुंदा भी करैक्ट वर्ड फाइंड आउट करो, तो गैरूलस दे स्पैलिंग देख लो किस तरह ने, तो स्पैलिंग बहुत इंपोर्टेंट ने। नैक्सट साडे कोले जी ए परसन हू इज़ रैडी टू बी बिलीव थिंग्स, कोई ऐसा व्यक्ति जो हर एक की कही गल ते जां हर एक चीज़ ते विश्वास कर ले, तो उन्हूं बोलिया जाता क्रैडुलस मतलब कन्ना दा कच्चा कह सकते हैं असी, फर्स्ट ऑप्शन इज द करैक्ट ऑप्शन। नैक्सट है जी वन हू कट्स प्रीसीअस स्टोन, जिहड़ा कोई महंगे कीमती प्रीसीअस स्टोन कटदा हैगा उन्हूं अगे मतलब होर रूप दिंदा है उन्हूं बोलिया जाता जी लैपिडिस्ट, लैपिडिस्ट मतलब की है जी जिस तरह जौहरी हुंदा हैगा मतलब हीरे जवाहरात का काम करता उस तरह का कह सकते हैं असी। नैक्सट है नंबर ऑफ शिप्स, भी जो शिप है उन्हों का एक ग्रुप है उसनों बोलिया जाता जी फलीट, तो यह बहुत ही इंपोर्टेंट है बहुत ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम से बार बार पूछा जाता क्वेश्चन है। नैक्सट है साढ़े को समथिंग दैट कैन नॉट बी टेकन अवे, मतलब जी इस तरह का भी जिसनों असी हटा ना सकी, जिसनों असी एक दूसरे तो बख ना कर सकी हटा ना सकी उस वास्ते वरता जाता जी, ये साढ़े को है इन एलियनेबल, तो साढ़े को फर्स्ट ऑप्शन इसका करैक्ट ऑप्शन। नैक्सट है वन हू बिलीव इन गॉड, जिहड़ा गॉड च विश्वास करता है परमात्मा च विश्वास रखता वो हुंदा जी थीस्ट, सैकेंड ऑप्शन। तो जेकर आज भी परमात्मा च विश्वास नहीं रखता वन हू बिलीव्स नॉट बिलीव्स इन गॉड दैट मीनस ए थीस्ट, थीस्ट के अगे ए लग जाएगा जी। नैक्सट है साढ़े को वन हू हूज वाइफ इज़ डैड, जिसकी वाइफ की डैथ हो चुकी हो उसनू बोलिया जाता विडोअर, फर्स्ट ऑप्शन। तो जेकर असी गल करिए भी किसी की हसबैंड की डैथ हो गई हो तो वह हों जी विडो, वो सैकेंड ऑप्शन बनेगा। नैक्सट है प्लेस गुड फॉर द सिक, तो जो बीमार व्यक्ति है उन्होंने लिए सही जगह कि होंगी है रिजोर्ट, फर्स्ट ऑप्शन। हूँ ये कन्फ्यूजन हो जाती है रिजोर्ट एंटरटेनमेंट वास्ते भी होंगे तो सिक वास्ते भी होंगे, तो वैसे तो हॉस्पिटल होंगे पर साढ़े को हॉस्पिटल के अलग ट्रीटमेंट है रिजोर्ट भी होंगे ने, ठीक है जी। तो नैक्सट साढ़े को 24th गवर्नमेंट बाय वन मैन ऑटोक्रेसी होंगे जी, थर्ड ऑप्शन। नैक्सट है साढ़े को वन हू वॉक्स इन वन स्लीप, मतलब की है कई व्यक्ति जो नींद के उठ के इधर उधर चल पेंदे है उन्होंने ये वो होंगे साढ़े को सोमनाबुलिस्ट, सैकेंड ऑप्शन। नैक्सट है साढ़े को परसन सफरिंग फ्रॉम नर्वस ब्रेकडाउन, तो जो नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए कई बार उस तो प्रॉब्लम हो पीड़ित हो व्यक्ति उन्होंने बोलिया जाता जी न्यूरोटिक, तो नर्वस मतलब जोड़ा नाड़ी तंत्र है साडा रीढ़ की हड्डी वाला कह लो, ठीक है इस तरह की प्रॉब्लम हो जाए जी वो न्यूरोटिक होंगी है। नैक्सट है बुक और पेपर रिटन इन हैंड, तो कोई बुक हाथ लिखते हो जा कोई पेपर हाथ लिखते हो उन्होंने बोलिया जाता जी मैनुस्क्रिप्ट, तो सैकेंड ऑप्शन इसका करैक्ट ऑप्शन हाथ लिखते वास्ते यूज़ किया जाता है। नैक्सट साढ़े को द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर दैन वन वाइफ एट ए टाइम, इट मीनस की है एट ए टाइम मोर दैन वन वाइफ हो यानी कि एक तो ज़्यादा वाइफ रखिया होन, तो उन्होंने होंगे पॉलीगैमी, इस तरह के रीति रिवाज कितने होंगे है, ठीक है जी। फर्स्ट ऑप्शन इसका करैक्ट ऑप्शन। नैक्सट है साढ़े को वन हू अबस्टेन्स टोटली फ्रॉम अलकोहल ड्रिंक्स, एक हों बहुत ज़्यादा शराब पीने वाला, एक हों भी इस तरह का जोड़ा नहीं पीता बिल्कुल ही, तो ड्रंक आर्ड हों जोड़ा बहुत ज़्यादा पीता है, तो जिम्मे साढ़े को इस क्वेश्चन के भी टोटली उन्हें बैन किया हुआ अलकोहल में, तो हों टी टू टॉलर मतलब जोड़ा मूँह ही नहीं करता शराब कहीं बिल्कुल भी नहीं पीता उस तो दूर रहा है। नैक्सट है साढ़े को कलस्टर ऑफ हाउस इन ए विलेज, कलस्टर ऑफ हाउस इन ए विलेज उन्होंने बोलिया जाता जी हैमलेट, सैकेंड ऑप्शन इसका करैक्ट ऑप्शन। तो यह प्लेस वेयर मनी इज़ कॉइन, जिते मनी कॉइन की जाती है जी वो साढ़े को मिंट। नैक्सट है साढ़े को प्रोफेसनल राइडर इन हॉर्स रेस, कोई प्रोफेसनल राइडर होंगे जिम्मे हम घोड़ की रेस होंगी उन्होंने जो प्रोफेसनल राइडर होंगे उसनों बोलिया जाता जी
जॉकी। तो नैक्सट साढ़े को द हाउस ऑफ एस्कीमो, तो जोड़े एस्कीमो के घर होंगे उन्होंने बोलया जाता जी इगलू, थर्ड ऑप्शन। नैक्सट है साढ़े को वन हू कलैक्ट पोस्ट स्टैंप्स, तो कई शौक हों भी जी स्टैंप्स उन्होंने कलैक्ट करते पोस्ट स्टैंप्स नूं जी फिलैलेटिस्ट, ठीक है जी। फर्स्ट ऑप्शन है जी का करैक्ट ऑप्शन। नैक्सट है साढ़े को वन हूज एन एक्सपर्ट इन जजिंग आर्ट एंड म्यूजिक, तो कोई इस तरह का व्यक्ति जो जज कर सकता हो जिसन शौक हो जोड़ा थोड़ा जहा मतलब इंट्रस्टड हो इस चीज़ के बोलया जाता जी कनेसर, तो कनेसर बोलया जाता सैकेंड ऑप्शन। ये स्पैलिंग बड़े ध्यान देखो तो क्योंकि तुम्हें करैक्ट वर्ड कित कित मिलते पूछे जाते हैं, ठीक है जी। नैक्सट है वन हू हेट्स मैनकाइंड, जो मनुख जाति हेट करता है उसनों बोलया जाता जी मिस एंथ्रोप, जिस तरह ये एंथ्रोप वर्ड आया। एंथ्रोप का वर्ड जिहड़ा हुंदा है एक रूट वर्ड के तौर पर हुंदा है, मतलब ये मनुख जाति ही वरता जाता है। तो तुहानू किसी वीडियो असी इंग्लिश के कुछ रूट वर्ड दसांगे जिन्हां तों तुसी जिथे भी तुहानू किसी न्यूज़पेपर दे विच बुक दे विच रूट वर्ड मिलणगे, जे तुहानू उसका मीनिंग नहीं भी पता होगा तो तुसी समझ लोगे भी ये जिहड़ा वर्ड आ किस चीज़ नाल रिलेटड होगा। जिस तरह एंथ्रोप हो गया, ठीक है, ये हो गया मिस एंथ्रोप हो गया, तो कुछ रूट वर्ड होंगे इंग्लिश के तो किसी वीडियो असी करवावे जी। नैक्सट है साढ़े को द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग जो सुंदर लिखने की कला हो उसनू बोलया जाता जी कॉलीग्राफी, सैकेंड ऑप्शन इज द करैक्ट ऑप्शन। नैक्सट है द स्टोरी ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसैल्फ, अच्छा जी द स्टोरी ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसैल्फ, तो जोड़ा खुद लिखता स्टोरी, ठीक है, वो ऑटोबायोग्राफी होंगी है। तो जो हिस्टरी लिखी जाती है मैन की किसी होर द्वारा वो होंगी है जी बायोग्राफी। तो यदा फस्ट ऑप्शन आ गया, 40 ते पहुँच रहे हैं जी। द प्लांट्स एंड वैजीटेशन ऑफ ए सर्टन रीजन, किसी खास खेत्र के जोड़े प्लांट्स से वैजीटेशन होंगे उन्होंने बोला जाता जी फलोरा, सैकेंड ऑप्शन। नैक्सट है साढ़े को दैट विच कैच फायर क्विकली, तो इस तरह के प्रोडक्ट इस तरह दीज़ा जिन्होंने अग बहुत जल्दी लग जाती है वो होंगी है जी इनफ्लेवेबल, तो सैकेंड ऑप्शन इसका करैक्ट ऑप्शन। नैक्सट है दैट विच कैन नॉट बी हेयर्ड, जिसनों असी सुन ना सकते हुई, तो हम असी सुन किसी नहीं सकते असं जो मनुख की गल करिए, मनुख की जो कन्ना की रेंज है 20 हर्ट्ज तो लैके 20,000 हर्ट्ज तक है। जिस तरह असी डीजे साउंड हों काफ़ी उच्ची आवाज़ होंगी है साढ़े कान फिर भी सुनते हैं, या तो असी उस चीज़ में नहीं सुनते जी 20,000 हर्ट्ज तो उत्ते ज़्यादा साउंड दे रही है उत्ते साढ़े कान बंद हो जाते एक तरह के बोले हो जाते हैं, या फिर 20 हर्ट्ज तो जी लो साउंड हों उसनों साढ़े जोड़े कान है नहीं सुन सकते। जिस तरह असी कई बार नोट करते हैं कि साड़ा क्लॉक है जो टाइम पीस हों घड़ी होंगी है उसते जो सकिंटा की सूई भी चल रही होंगी जो बिल्कुल साइलेंट हों, तो सानू उसकी आवाज़ भी सुनती है, वैसे सानू नॉर्मल नहीं सुनती, जो रात में कई बार पे होंगे ज बिल्कुल सारा साइलेंट हों कम उस टाइम तो उसकी आवाज़ साउंड भी सानू सुनाई दिता है, तो जोड़ा सुनया नहीं जा सकता उन्होंने हों जी इनऑडिबल, फर्स्ट ऑप्शन। नैक्सट है साढ़े को अनएबल टू पे वन इज डैट, मतलब कोई इस तरह का व्यक्ति जोड़ा अपना कर्जा नहीं दे सकता अनएबल हो गया वो डैट पे करने के लिए, तो वह होंगे इनसॉल्वेंट, दिवालिया।